गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हाजिर हूं एक और फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया की, अगर कोई भी दो बॉडीज आप कंसिडर कर लो जिनका की मास m1 और m2 है और उनके सेंटर के बीच की दूरी r है, तो न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ग्रेविटेशन फोर्स इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इस फार्मूले के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडर दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर पार्टिकल्स। अब इसी को ले पहली करेक्टरिस्टिक ही यही है, यूनिवर्सल लॉ जो हमें बताता है कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव कभी नहीं हो सकती। उसके साथ साथ अगर इसी फार्मूले को आप देखो तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स को कैलकुलेट जब हम कर रहे हैं तो मासेस कंसिडर कर रहे हैं। अगर मासेस नहीं होंगे, किसी भी बॉडी का मास नहीं होगा, सपोज कीजिए ये पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल है, m1 नहीं होगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी जीरो। इट इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ मास। फॉर अ मासलेस सब्जेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स इज जीरो। जिस भी बॉडी का मास होगा उसकी नेचुरल करैक्टरिस्टिक है ग्रेविटेशन फोर्स। मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स होगी ही होगी। अब उसके बाद यहां से ही हम देखें तो ये इनवर्स स्केयर लॉ ओवे करती है। इट ओवेज इनवर्स स्केयर लॉ। उसके बाद इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसा कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट कहती है, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स आर एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, यानी कि मैं दुनिया की हर एक पार्टिकल को, हर एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा हूं। उसके बाद इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स आर ऑब्जेक्ट्स। जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स के जो बीच में लाइन है जो उनको जॉइन करा रही है, उस लाइन के अलोंग जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगी। उसके बाद ये फार्मूला हमें क्या बताता है, m1 m2 को खींच रहा है और m2 m1 को खींच रहा है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट कह रही है जितनी फोर्स के साथ m1 m2 को खींचेगा उतनी ही फोर्स के साथ m2 m1 को खींचेगा, क्योंकि फोर्स का फार्मूला इन दो ऑब्जेक्ट्स के लिए तो यही रहेगा ना। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू 1, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर रहता है और डायरेक्शन अपोजिट रहती है। आप देख सकते हैं ये इसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहाँ पे माइनस भी लगा देंगे। और ये केस आपको मालूम है कहाँ पे होता है, मैग्नीट्यूड दो फोर्सेस का बराबर लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दस फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स कि अगर हम बात करें, फंडामेंटल फोर्स है नेचर की और ये बीकेस्ट है अमंग द फोर फंडामेंटल फोर्सेस। तो ये बीकेस्ट फोर्स है नेचर में और बाकी वाली फोर्सेस के साथ इसका कंपैरिजन करके ये रिलेटिव स्ट्रेंथ रहती है बाकी फोर्सेस की। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर अगली करैक्टरिस्टिक की बात करें, अगर दो बॉडीज के बीच में हम ग्रेविटेशन फोर्स निकाल रहे हैं तो तीसरी बॉडी हो नहीं हो, चौथी हो नहीं हो, उसका कोई असर नहीं यहाँ पे पड़ता। इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये मीडियम कैसा है हमारे बीच में, जिन दो बॉडीज के बीच में हम ग्रेविटेशन फोर्स निकाल रहे हैं उसका भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये थी कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके। आशा है कि आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे, बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश की।